Assalamu alaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics. And in this series we have started basic statistics. और आज फर्स्ट वीडियो है तो इसमें हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन की. ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा. ठीक है, बेसिकली आज बेसिक बेसिक बातें होंगी तो मैं यहाँ पे अनग्रुप डेटा को फिलहाल सॉल्व करने वाला हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अनग्रुप डेटा के अंदर बेसिकली हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो लेस देन आप कह सकते हैं कि लेस देन आपके 15 वैल्यूज अगर है तो आप उसे अनग्रुप डेटा की कैटेगरी में रख सकते हो. अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर लेस देन 25 भी होता है. ठीक है, जैसे जैसे मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जैसे डेटा इंक्रीज करता जाता है तो हम उसे अनग्रुप के बजाय ग्रुप डेटा की तरफ प्रेफर करते हैं. ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो है वो क्लासेस वगैरह के नोटेशन में क्लासिफाई करके आसान हो जाए. ठीक हो गया, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का जो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होगा वो समेशन एक्स अपॉन एन कहलाएगा. ठीक है, और इसका सिंबल हम जो है वो इस तरीके से x बार रखेंगे. ठीक है, यहाँ पे x का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, समेशन x का मतलब क्या है, इसको ज़रा समझते हैं. x बेसिकली हमारे पास वैल्यूज होती हैं जो डेटा के अंदर मौजूद होती हैं, और समेशन x का मतलब है ये जो हमारे पास सिंबल आ रहा है समेशन. ठीक है, इसका मतलब होता है कि उन वैल्यूज को हमने क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है. ठीक है, अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास अगर दो वैल्यूज इस तरीके से आ रही है 2 -3. ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई सर ने तो कहा है कि इसको ऐड करना है. भाई ऐड करने का मतलब है 2 + -3, या डायरेक्टली आप इसको 2 - 3 भी लिख सकते थे. ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. हमेशा हमें जो डेटा गिवन होगा वो पॉजिटिव नोटेशन में नहीं होगा भाई, वो नेगेटिव भी हो सकता है. सही है, और यहाँ पे n का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज. जैसे ये जो मैंने ऊपर लिखा था 2, -3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n हमारे पास 2 हो जाएगा, है ना भाई, क्योंकि दो वैल्यूज मौजूद हैं. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 4, -1, -5, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 3 होने वाली है. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 3 आ रही है. ठीक है, अब जरा इसको हम जो है फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके देखते हैं. यहाँ पे मैं ये बाकी की सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ. ठीक है, फॉर्मूला को एक बार मैं दोबारा से लिख लूँगा. सही, तो ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया. स्टूडेंट्स हम कुछ सैम्पल डेटा यहाँ पे अस्यूम कर लेते हैं. लेट से वी हैव 3, 7, बल्कि मैं कॉमा ना लगाऊँ, यहाँ पे बराबर में लिख लेते हैं. ठीक है, सेल्स के अंदर मैं वैल्यूज लिखता जा रहा हूँ तो आप कॉमा सेपरेटेड इसको अस्यूम कीजिएगा. अच्छा, 3, 7, और हम यहाँ पे गेट करते हैं -2, देन 0, 8, 1 एंड 10 रख लेते हैं. सही है, तो ये हमने कुछ वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन कर लिया हमारी. अब मुझे अगर इन वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन रिक्वायर्ड है तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरा फॉर्मूला है एक्स बार विच इज नोन एज अर्थमेटिक मीन. ये बराबर होता है समेशन एक्स ओवर एन के. मतलब यहाँ पे इन एक्स वैल्यूज को ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, ये एक्स कहलाएंगे. ठीक है, तो इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं भाई, 3 + 7 स्टूडेंट्स ये हमारे पास 10 होता है, 10 - 2 विल बी 8, 8 + 0 8 ही होगा, 8 + 8 16, 16 + 1 17 एंड 17 + 10, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 27 के बराबर. डिवाइडेड बाय एन हमने रखने, तो देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सही है, तो सिंपल 27 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से. तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 27 / 7, तो ये आंसर आ जाएगा 3.85. ठीक है, 857 है तो इसको हम 86 कह सकते हैं ना, 3.86 विल बी आर फाइनल आंसर. ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन कहलाएगा.
है ना, मतलब इन पूरे की मीन वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। सही है, एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करके देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, सपोज करें 2, 4, 3, 5, अगेन 4 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और 4.5 भी रख दिया मैंने इस बार। ठीक है, तो मैंने इतनी वैल्यूज मैंने रखी। अब मैं यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ को अगर ऐड करता हूँ तो देखिएगा मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। 2 + 4 6, 6 + 8 ये हमारे पास 14, 14 + 8 22, 22.5 हो जाएगा ये, है ना। तो समेशन एक्स अपॉन एन की जगह हम लिखेंगे 22.5 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास 6, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो 22.5 डिवाइडेड बाय 6, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ रहा है 3.75, है ना। इसका आंसर भी हमारे पास 3.75 आ रहा है। ठीक है, एक और मजीद एग्जांपल करके यहाँ पे देखते हैं, फिर इस चीज़ को मैं एंड करूँगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है कि अर्थमेटिक मीन बेसिकली है क्या। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेम सिमिलर वैल्यूज जो है मैं गेट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 4 जो है वो कंटिन्यू कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे पता है मैं अगर इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दूँ, 4 + 4 + 4 कितनी बार आ रहा है काउंट कर लेते हैं, ये हमारे पास 7 टाइम्स आ रहा है, तो 7 × 4 विल बी 28। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन ये होगा 28, जो कि समेशन एक्स की जगह पे आएगा, और डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो इट विल बी अगेन 4। मतलब अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसके लिए अर्थमेटिक मीन वही वैल्यू आ जाती है एज इट इज, है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। सही है, और यही चीज़ हमें इस रॉ के अंदर भी देखने को मिली कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3.75, ये क्यों आ रहा था, क्योंकि ये हमारे पास डेटा की सेंट्रल वैल्यू कहलाएगी, है ना। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा डेटा है, 2 से लेके 2 इसकी लोवेस्ट वैल्यू और 5 इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये तकरीबन 3.75 पे रिवॉल्व कर रहा है। सिमिलरली हमारा जो डेटा ऊपर वाला था, -2 से लेके इसकी हाईएस्ट वैल्यू 10 थी, तो ये जो रिवॉल्व कर रहा था ये 3.86 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। मतलब ये इसकी सेंट्रल वैल्यू थी, मतलब ये इसका अर्थमेटिक मीन था। याद रखिएगा ये जो अर्थमेटिक मीन है हमारा, ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक होगा किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसके मजीद और टॉपिक्स हमने देखने हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास अर्थमेटिक मीन के बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।